Hello guys, so in this lecture we will be understanding concept of consumer's equilibrium with the help of indifference curve. First of all, what is consumer's equilibrium? तो मैंने एक ही आपको स्लाइड में सारा आपको कवर हो रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है. ठीक है, ध्यान से नोट्स बनाइए इसके. देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर को एक मैक्सिमम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है और उस केस में आपका जो प्राइस है वो कांस्टेंट होता है और जो इनकम है वो भी आपकी कांस्टेंट रहती है, मतलब गिवन होती है. कांस्टेंट नहीं, गिवन कहिए, गिवन रहती है और कोई टेंडेंसी नहीं है चेंज होने की. ठीक है, अजम्पशन में हम ये लेके चलते हैं कि कंज्यूमर जो है वो एक रैशनल है. कंज्यूमर इज रैशनल. दूसरी कंडीशन, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल. थर्ड कंडीशन, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, परफेक्ट कंपटीशन एंड टोटल यूटिलिटी. ओके गाइस, अब हम देखिए जरा इसका डायग्राम. देखिए आप देख रहे हैं ये वाला. हाँ जी, तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो हमने बनाया है इस केस में. लेट मी जस्ट टेल यू. सो तीन पॉइंट्स हमने लिए हैं, ए बी सी, राइट. कितने पॉइंट्स लिए हमने? वी हैव टेकन थ्री पॉइंट्स बेसिकली, ए बी सी. जो पॉइंट सी है वो है हमारी एक ऑप्टिमम चॉइस. बी पॉइंट में क्या है कि ये जो बी पॉइंट है ये अफोर्ड तो कर सकता है पर इसका जो आई सी है वो है लोअर, राइट. और ए पॉइंट का क्या है, लोग इसे प्रेफर तो करते हैं यूज करना पर इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं बिकॉज देखिए उसका आई सी इतना वो है. सी पॉइंट का क्या है, लोग इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं, इसे प्रेफर भी कर सकते हैं. सो सी पॉइंट इज आवर ऑप्टिमम चॉइस. कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, सी पॉइंट पे कंज्यूमर्स ऑप्टिमम है. वाई कंडीशंस, देखो कंडीशन नंबर वन सेटिस्फाई हो रही है कि जो इनडिफरेंस कर्व है वो टेंजेंट है बजट लाइन पे, कंडीशन सेटिस्फाइड. सेकेंड कंडीशन या फिर फर्स्ट कंडीशन में ही आ गई है कि जो स्लोप है बजट लाइन का स्लोप और जो इनडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो बराबर होगा, दो कंडीशन सेटिस्फाई. अब देखिए यहाँ पे जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, इधर देखिए एम आर एस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ये क्या है हमारा कि प्राइस ऑफ द गुड एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ द गुड वाई इज इक्वल टू द रिलेटिव प्राइस. सो ये जो प्राइस है ये रिलेटिव प्राइस के बराबर है आपका एम आर एस. एम आर एस आपका स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था. तो एम आर एस और जो रिलेटिव प्राइस है ये दोनों बराबर होंगे. लास्टली देखिए, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो उसके लिए कंडीशन ये मस्ट है कि जो आई सी है वो कन्वेक्स होगा टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. अब यहाँ पे देखो ये ए पॉइंट तो सही है, बी पॉइंट पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. क्यों? बी पॉइंट पे आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, कन्वेक्स टू ओरिजिन नहीं है. ये देखो, अब बी पॉइंट से अगर हम ए पॉइंट पे जाएंगे, ए पॉइंट तो अपना बढ़िया स्टेबल इक्विलिब्रियम का काम कर रहा है तो कंज्यूमर एक हायर आई सी पे जाएगा, उसे एक हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा. पर अगर वो ए से बी जाएगा, मतलब स्टेबल है और अनस्टेबिलिटी अटेन कर रहा है, तो उसे लोअर सेटिस्फेक्शन होगा. कंज्यूमर विल दैट ही शू और शी शुड कम बैक टू हिट्स ओरिजिनल पोजिशन बिकॉज कंज्यूमर विल फील अनस्टेबल. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, Hello everyone. So in this lecture we will be studying very very important topic, that is decomposition of price effect. So first of all, what is price effect? Thoda price effect se introduce kara dun. Price effect guys aapka refer karta hai change in consumption of good. Jab kisi good ki consumption mein change aata hai, wo bhi kab? When price of either of the good, किसी भी एक गुड की प्राइस में जब चेंज आ जाए और दूसरे गुड का प्राइस और इनकम रहे कॉन्स्टेंट, तो वो हमारा टोटल प्राइस इफेक्ट है.
इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है कब, जब आपकी जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो चेंज होती है और जो आपकी कंज्यूमर की रियल इनकम है वो भी आपकी चेंज होती है। मतलब आपकी बेसिकली इनकम, आपकी इनकम चेंज होती है और उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, इनकम बदली और प्राइस ऑफ कमोडिटी तो चेंज हुआ ही है, और तब जो क्वांटिटी डिमांडेड में इफेक्ट आया दैट इज इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एज चेंज इन रिलेटिव प्राइस एंड रियल इनकम रिमेन सेम। अभी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के केस में इनकम कॉन्स्टेंट लेके हम चलते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। सो हम नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, गिफन गुड्स तीनों के बारे में ही हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे डायग्राम्स की, और डायग्राम्स के साथ हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और ये डायग्राम कैसे बना, तो थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके सी बेसिकली आपको तीनों डायग्राम पे ध्यान देना है, कैसे कैसे मैंने स्टार्टिंग करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लास्ट लेक्चर में बजट लाइन के बारे में पढ़ा होगा। एक गुड का जो प्राइस रहता है सेम, और बजट लाइन में क्या होता है कि प्राइस, यहाँ पे भी प्राइस की बात हो रही है, तो प्राइस जो है हमने तीनों गुड्स में लिया है कि जो प्राइस है एक्स गुड का, गुड एक्स का जो कि एक्स एक्सेस पे है वो डिक्रीज हो गया। तो अब डिक्रीज हो गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि प्राइस में फॉल हुआ है, तो बजट लाइन जो है वो क्या होगी, वो आपकी किस तरफ शिफ्ट होगी। मैंने आपको बताया था प्राइस है डिक्रीज हुआ है, बजट लाइन जो बजट है वो क्या होगा, वो लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग पूछ रही हूँ, बजट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपकी जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी, राइट। तो उस अकॉर्डिंग आपकी बजट जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, इसका मतलब बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। ऑलराइट सो अब आप देखिए, पहले हमने यही करा है, ए बी ए बी डैश तीनों डायग्राम में ऐसे ही बना है सेम। बाकी हमने एक नई लाइन इंट्रोड्यूस किया हर डायग्राम में, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू। ओके नाउ ए बी लाइन से जो इनिशियली इक्विलिब्रियम बन रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, वो बन रहा है ई वन, और हमने लेबलिंग दिया है सबको, उसकी लाइन, उसके नीचे लाइन खींची हमने एल, लाइन एल खींची। अब जो पी क्यू से जो बना है इक्विलिब्रियम, वो बना है इक्विलिब्रियम नंबर टू दैट इज ई टू, वो आपका नया इक्विलिब्रियम हो गया। और जो ए बी डैश से बना है नई बजट लाइन से, उस इक्विलिब्रियम को हमने नाम दिया ई थ्री, सभी केस में वही हुआ है। अब ई थ्री का तो अलग से इंडिफरेंस कर्व हो गया, आई सी कर्व हो गया आई सी टू के नाम से, सभी केस में आप ध्यान से देखो डायग्राम देखो पहले, आई सी टू हो गया, यहाँ भी आई सी टू, वहाँ भी आई सी टू, वहाँ भी आई सी टू, ओके आई सी टू हो गया। अब देखो तीनों डायग्राम्स में फ़र्क क्या है, फिर जो सेम चीज़ है पहले वो समझ लो कि ई वन ई टू ये दोनों आएंगे सेम आईसी पे, हमेशा ईवन ई टू तीनों डायग्राम में आएंगे सेम आईसी कर्व पे, राइट आईसी वन, एक लेबलिंग याद रख ली। ऑल राइट नाउ अब हमने ई टू के नीचे क्या लिखा, एम, और ई थ्री के नीचे लिखा एन। सिमिलरली ऐसे हमने करा, ई थ्री के नीचे वाली लाइन एन एंड ई टू वाली एम, क्लियर है। ओके वहाँ पे भी देखिए उस डायग्राम में भी M एंड N, क्लियर दिख रहा है तीनों डायग्राम एक साथ देखिए, समझिए। नाउ व्हाट हैपेंस, तीनों ही केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा नेगेटिव, वाई, बिकॉज प्राइस जो है X क्वांटिटी का वो डिक्रीज हो रहा है, और जिसकी वजह से क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, और ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन थ्री ऑफ द केसेस इट विल बी नेगेटिव। ओके अब जो प्राइस है वाई क्वांटिटी का वो कॉन्स्टेंट है, ये बात भी समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है समझिए, जरा समझिए लेक्चर को और आप भी डायग्राम फिर बनाइएगा, आपको ज़रूर समझ आएगा। अब ई वन से ई टू के बीच में, ई वन से ई टू के बीच में जो है हम लेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इक्विलिब्रियम टू से इक्विलिब्रियम थ्री के बीच में हम लेंगे इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट।
पहले सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ओके, फिर इनकम इफेक्ट, और फिर E1 से E3 प्राइस इफेक्ट, जिसको हमने बेसिकली डिकम्पोज करा है वो हमारा E1 से E3, ओके, क्लियर है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम, ऑल राइट। तो वो हमारा प्राइस इफेक्ट हो गया। अब तीनों केस में बेसिकली फर्क कहाँ आ रहा है और कैसे डायग्राम बन रहा है देखो, मेन बात बता दी। अब पहले हम नॉर्मल गुड्स पे आते हैं। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव। इनकम का क्या हिसाब है, इनकम बढ़ी, रियल इनकम इंक्रीज हुई, तो क्वांटिटी भी बढ़ गई, क्वांटिटी भी बढ़ गई तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव आ गया। अब इनकम इफेक्ट पॉजिटिव आ गया, ये बात क्लियर है। प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, बिकॉज प्राइस घटा, क्वांटिटी बढ़ी, तो इनवर्स रिलेशन मीन्स नेगेटिव। ये बात भी समझ आ गई, ओके। प्लॉटिंग हमने कर ली सिंपल, E1, E2, E3 आया पहले, पहले E1 आया, E2 आया, E3 आया, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हुआ, ये इनकम इफेक्ट हुआ, ये तो हुआ नॉर्मल गुड की बात। अब हम आते हैं इन्फीरियर गुड में। इन्फीरियर गुड में क्या है, इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। वाई, रीज़न ये है कि इन्फीरियर गुड जैसे ऐसे होते हैं रोटन टमाटो, ठीक है, सड़ा हुआ टमाटर हो गया, या फिर सेकेंड हैंड आप कोई आइटम लेते हैं, सेकेंड हैंड आप कपड़े लेते हैं, तो अब जब आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप सेकेंड हैंड क्यों लोगे सामान, राइट? आप देखो ना, इन्फीरियर गुड्स, सेकेंड हैंड क्लोथ्स लेट्स से, तो आप वो लेना प्रेफर नहीं करोगे ना, तो डिमांड आप उनकी घटा दोगे रादर देन आप दूसरी चीज़ लोगे। सो आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड तो घट जाएगी ना इनकम बढ़ने से, तो इसलिए इनवर्स रिलेशन, और ये हुआ नेगेटिव। क्लियर है माजरा? गुड। अब प्राइस इफेक्ट अगेन नेगेटिव। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसे हमने इनकम जो है बढ़ गई, इनकम इफेक्ट से देखो मेन क्या हो रहा है, इनकम बढ़ गई तो डिमांड घट गई। प्राइस इफेक्ट के केस में क्या हो रहा था, डिमांड बढ़ रही थी, ओके, डिमांड बढ़ रही थी। अब इवन देखो, हमने बनाई लाइन, बनाई एल। नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो इन्फीरियर गुड्स में ज़्यादा होगा, बिकॉज उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, लॉ ऑफ डिमांड भी फॉलो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं फॉलो हो रहा, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इस केस में ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा का मतलब ये कि E1 और E2 जो है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और ये हमारा ज़्यादा होगा। इनकम इफेक्ट है हमारा E2 और E3 के बीच का डिस्टेंस, और इस केस में क्या हुआ, इनकम इफेक्ट में मैंने बताया ना, इनकम बढ़ी डिमांड घटी, इनकम बढ़ी डिमांड घटी। सो देखो, डिमांड का हिसाब करें अगर हम, तो ये नीचे आपकी क्या दे रखी है, आप इसको जैसे, ये आपकी डिमांड ही तो है, तो जैसे देखो पहले वाले केस में मान लो यहाँ थी आपकी डिमांड, फिर मैंने बोला M यहाँ तक, तो अब जो ये आपका N आया, मतलब न्यू जो आपकी बजट लाइन बनी, तो वो N आपको यहाँ आया, मतलब ये कम हो गया ना, डिमांड कम हो गई, इसका मतलब यही हुआ, ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी गिफन गुड्स हैं तो डिमांड और भी ज़्यादा कम हो गई, पर यहाँ पर इसलिए इनकम इफेक्ट जो है वो ज़्यादा, आई एम सॉरी, ये देखो इस केस में आपका इनकम इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। इनकम इफेक्ट कर गया डोमिनेट, ठीक है, और प्राइस इफेक्ट छोटा रह गया आपका, एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये रहा, क्योंकि वही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से नेगेटिव ही हो गया। इनकम इफेक्ट का क्या सीन रहा, इनकम बढ़ी डिमांड घट गई। अब पोटैटो को हमने ले लिया गिफन गुड, ऑल राइट, और ये जो है गिफन गुड्स जो हैं ये लॉ ऑफ डिमांड भी फॉलो नहीं करते हैं, जैसे मतलब पोटैटो गिफन गुड इन द सेंस ऑफ मीट, लाइक चिकन है और राइस है, तो आप किसे प्रेफर करोगे चिकन और राइस में से,
आपकी इनकम बढ़ेगी, तब तो आप किसको प्रेफर करोगे, तब आपकी इनकम बढ़ गई। तो देखो चिकन आती है महंगी, तो आपने ले रखा है राइस, आपका हो गया एक, चलो पोटैटो और मीट में ही लेते हैं, पोटैटो जैसा कि गिवन गुड है, इनकम बढ़ गई, डिमांड घट जाएगी ना, डिमांड घट जाएगी, तो यू नो लग्जरी गुड्स को हम उस समय प्रेफरेंस देते हैं गिवन गुड्स में हमारी, बिकॉज इनकम बढ़ रही है ना, तो डिमांड इसलिए घट रही है। किसकी घट रही है डिमांड? पोटैटो की। पोटैटो को हमने गिवन गुड लिया, ठीक है, समझ लो, और प्राइस कम हुआ, डिमांड कम हुई, ये आपका मतलब प्राइस इफेक्ट। यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ओके, सो आई होप क्लियर है। ध्यान से एक बार डायग्राम देख लो, समझना है कि तीनों डायग्राम में फर्क क्या है, और एक एक बार सबको बनाना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। सो आई होप दिस वीडियो मस्ट बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच।